साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई हकीकत। आपको पता है कि हम जो वीडियो बनाते हैं वो कहीं ना कहीं सबूतों के आधार पे और धरातल से जुड़ा हुआ होता है, और जो धरातल से जुड़ा हुआ होता है ना भाई, वही आपके काम का है। बाकी तो हवा हवाई बातों में कोई फायदा नहीं है। दो मिनट के लिए मन को तसली मिल जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। बाद में हकीकत में सामना करते फिर जी घबराता है। आज हम बात करेंगे फ्लाइट से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, प्रैक्टिकल बात करेंगे। सुबह का ही मैसेज मेरे पास आया है, ये कोई भाई है, इसका नाम बता दूं आपको मैं, अशफाक। जी हाँ साथियों, अशफाक हैं दुबई से। 7 जून को इन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर चार्टर फ्लाइट में जैसे ही मेरा नंबर आता है मैं आपको शेयर करूंगा। आज ये भाई ये यूपी पहुंच गए, यूपी चार्टर फ्लाइट से पहुंचे हैं। तो इन्होंने बताया, बता दूं मैं आपको पूरा, इन्होंने पूरा मुझे बताया हकीकत क्या है। चार्टर फ्लाइट में मेरे भाई देखिए, टिकट का पैसा बता दूं, हालांकि गवर्नमेंट तो पता नहीं क्या बताती है, 13-14 हज़ार रुपये बताती है। 1200 दराम लगे, 1200 दराम का मतलब 24-25 हज़ार रुपये टिकट का लग गया। चलो टिकट का लग गया, घर पहुंच गए। हमारे राजस्थान के बंदे दिल्ली फ्लाइट से उतरे थे आज से 10 दिन पहले, और उनको दिल्ली से राजस्थान लाने के लिए एक बंदे से 4000 रुपये किराया लिया गया। ये किराया किसने लिया? राजस्थान सरकार ने, क्योंकि आदेश तो पूरे राजस्थान में जो मूवमेंट होता है वो सरकार ही करती है। हमारे यहाँ तो हाथ में कुछ नहीं है कि हम उनसे किराया लेके दिल्ली पहुँचा दें। गाइडलाइन जारी राज्य सरकार करती है ना। 4000 रुपये लेके उनको जयपुर भिजवाया गया। आप सोचने की बात है कि राजस्थान सरकार जो दिल्ली से 4000 रुपये लेके उनको, ये नहीं कि आप अपने ज़िले में चले जाओ, हक ये होता है कि वो उनको उनके ज़िले में ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि लोकल टीम में वो चला जाए, उनका खर्चा नहीं हो, सरकार का भी खर्चा नहीं हो। लेकिन नहीं जी, दिल्ली से सीधा जयपुर पहुंचाया, वहां क्वारंटाइन किया, फिर होटल के नाम से उनसे पैसे अलग से लिए गए। ये भाई यूपी पहुंचे हैं, और ये बरेली ज़िला यूपी में आप सबको जानते ही होंगे। इन्होंने खुद ने बोला है, देखिए मैं एविडेंस भी रखूंगा आपके साथ में, मैंने इनसे पूछा है बाकायदे, इस पर लिखा है कि टिकट का चार्ज क्या है। इन्होंने बोला 1200 दराम, यानी इंडिया का 24,000-25,000 रुपये बन जाता है। इन्होंने खुद ने बोला है कि एक वीडियो बनाना, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर। मैंने पूछा कि भाई क्वारंटाइन चार्ज, बोला फ्री है, कोई क्वारंटाइन सरकार यूपी सरकार ने नहीं लिया। जी हाँ साथियों, लखनऊ एयरपोर्ट से फ्री सेवा बस लाइब्रेरी तक 250 किलोमीटर, यानी सोचने की बात है कि लखनऊ एयरपोर्ट से बरेली, जी हाँ साथियों 250 किलोमीटर का फर्क है। और भाई जयपुर से दिल्ली ये लगभग 250-300 का किलोमीटर का डिस्टिनेशन होगा मेरे हिसाब से। एक सरकार 250-300 किलोमीटर के 4000 चार्ज करती है राजस्थान सरकार, और यूपी सरकार 250 किलोमीटर फ्री बस सेवा से उनके क्वारंटाइन सेंटर जिले में दे दिया, लखनऊ में नहीं रखा इनको। अच्छी बात है, हमारी राजस्थान जयपुर में क्वारंटाइन कर रही है, होटलों में पैसा तो यहीं पड़े रहो 7 दिन, ठीक है। जांच भी अब करने लगी है, उनके डंडे लगाता वरना तो जांच ही नहीं हो रही थी। वो कोरोना पॉजिटिव आ गए, मैंने एक वीडियो पहले आपके साथ शेयर की थी। और यूपी सरकार ने कि भाई आप कहाँ से हो, बरेली से, बस में बैठो जाओ अपने जिले में, वहाँ जाके क्वारंटाइन हो जाओ। कितनी अच्छी बात है यार, सरकार में फ़र्क है, देखिए सोच में फ़र्क है। यहाँ किसी हम तो बुराई उसी की करेंगे जो आप लोगों की, मजदूरों की नहीं सुनेगा। क्योंकि हमारी गहलोत सरकार को कहाँ टाइम है भाई, वो तो विधायकों को बाड़े में लेके इतने दिन बैठी थी, कल 2 सीट उन्होंने जीत ली, वो तो चुनाव में बिजी हो रहे हैं। आप लोगों का ध्यान कहाँ से रखेंगे? सऊदीया से एक फ्लाइट गोलव सरकार ने नहीं मंगवाई अब तक, मैं बता रहा हूँ आपको। सऊदी से एक भी फ्लाइट राजस्थान में अभी तक नहीं पहुंची, कल एक फ्लाइट पहुंची है, वो अपने बंदों ने अपने दम पे फ्लाइट लेके आए हैं, वो सरकार का कोई रोल नहीं है उसमें। इन्होंने तो आगे और बताया, 300 बेड का करंट टाइम क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, बरेली में फ्री चार्ज है, यानी विदेश से आने वालों के लिए क्वारंटाइन फ्री। और वो यूपी लखनऊ में एयरपोर्ट है, वहाँ से उतरते हैं अपने जिले तक, बस उनको फ्री की सेवा दे रही है गहलोत सरकार, 4000 रुपये वसूल रहे हैं। ये है सरकार का फर्क, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। बस आज की जानकारी यही थी साथियों, आगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।